नमस्कार मित्रों, अपने गुरु आचार्य मदनलाल नागर की पुण्यतिथि पर उनके साथ व्यतीत किए हुए पलों की कुछ स्मृतियां आपसे साझा कर रहा हूं। अपनी बात कहने से पहले मैं कला गुरु मदनलाल नागर स्मृति दिवस के आयोजकों को, विशेष रूप से वरिष्ठ कलाकार एवं समीक्षक श्री अखिलेश निगम और उनके सहयोगियों को इस पहल और पुनीत कार्य के लिए बधाई देना चाहूंगा। मित्रों, जहां तक नागर जी का प्रश्न है, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व और जीवन से जुड़ी बातों को एक वक्तव्य में समेट पाना असंभव है। मैं एक लंबे अरसे तक उनके साथ जुड़ा रहा हूं, अतः कुछ उनकी और कुछ अपनी बात तक ही अपने वक्तव्य को सीमित रखूंगा। नागर जी उत्तर प्रदेश के आधुनिक कला आंदोलन के अग्रणीय कलाकार रहे थे। वास्तव में बंगाल के कला जगत से जुड़े श्री असित कुमार हालदार लखनऊ कला महाविद्यालय के पहले प्रधानाचार्य थे। सन 1925 में नियुक्ति के उपरांत श्री हल्दार के 20 वर्षीय लंबे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य पर बंगाल का प्रभाव छा जाना स्वाभाविक ही था। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां एक ओर उत्तर प्रदेश के कला जगत को बंगाल में विकसित वाटर कलर वॉश टेक्निक की सौगात मिली, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कलाकार इस प्रभाव से उबर कर अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं बना पाए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय कला प्रदर्श में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। व्यापक स्तर पर आधुनिक कला को बढ़ावा देने के लिए जतन किए जाने लगे। उत्तर प्रदेश के कलाकारों को लगा कि कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्र पहचान न होने के कारण वे पिछड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कला जगत को एक स्वतंत्र पहचान देना समय की आवश्यकता बन गई थी। श्री मदनलाल नागर उन गिने चुने कलाकारों में से थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कला जगत को उसकी अलग और स्वतंत्र पहचान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैंने स्वयं सन 1957 में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में एक छात्र के रूप में प्रवेश लिया था। वह एक ऐसा समय था जब लखनऊ का कला जगत एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहा था। मैं पहली बार लखनऊ आया था। बड़ा समय लगा था इस शहर को समझने में। नागर जी का एक गुरु के रूप में संरक्षण मिला, बस क्या था, रास्ते आसान होते गए। नागर जी के संपर्क में आने पर मुझे लगा कि कुछ ऐसा है जो हमें एक दूसरे के निकट ला रहा है, और शायद इस समानता का कारण था मेरा प्रवेश, जिसे मैं पीछे छोड़कर आया था, और वह चौक की गलियां जिसमें नागर जी रह रहे थे। नागर जी के संपर्क से बड़ी जिज्ञासाएं जन्म ले रही थी। बहुत कुछ वह जो सामने था उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ रहा था। नागर जी और अक्सर उनके बड़े भाई साहित्यकार अमृतलाल नागर जी उस लोप हो चुकी सांस्कृतिक परंपराओं के बचे कुचे अवशेषों की ओर अक्सर इशारा करते थे जो शनय शनय लोप होते जा रहे थे। कितना कुछ 125 साल के नवाबी काल के इतिहास की तहों में कहीं लोप हो गया था। यही नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि समय जैसे रुक सा गया हो। बाहरी प्रभावों से उत्पन्न एक ऐसा अवरोध जिसने हमें अपने अतीत से अलग कर दिया था और आज भी उसका प्रभाव वर्तमान से जुड़ने में अड़चन पैदा कर रहा है। नागर जी
से ही प्रेरणा मिली थी अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानने की, अपनी समृद्ध परंपराओं से जुड़ने की और अपनी अलग पहचान बनाने की। अब तो एक अरसा बीत गया। अक्सर याद आते हैं 62 बरस पहले लखनऊ के हुए दिन, जब बड़े अरमान लेकर कुछ जिंदगी में हासिल करने अपने छोटे शहर अमरोहा को पीछे छोड़कर आया था। मुझे पता था कि मुझे वक्त के साथ जीना है, वक्त के साथ ही आगे बढ़ना है और शायद वह सब एक बड़े शहर में ही मुमकिन हो सकेगा। बस क्या था, लखनऊ पहुंचते ही दौड़ लगा दी और अब तो दौड़ते दौड़ते उम्र भी ढलने लगी है। पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह क्या, मैं तो वहीं लौट आया हूं जहां से दौड़ना शुरू किया था। यह शहर है कि भूल भुलैया, जिसमें घुसने का रास्ता तो है पर बाहर निकलने की कोशिश वहीं वापस ले आती है जहां से मैं अपनी उम्मीदों के रास्ते पर चला था। मेरे स्मृति पटल पर आचार्य मदनलाल नागर जी का शहर श्रृंखला के चित्र उभर रहे हैं। जी हाँ, वही नागर जी का शहर जिसकी संकरी गलियों की भूलभुलैया में नागर जी का बचपन जवानी की दहलीज पर पहुंचा था। नागर जी ने उन सूनी पड़ी गलियों का वह दौर भी देखा था जब कभी बेला चमेली की महक, तबले की थाप पर घुंघरुओं की खनक और सुरों के बीच घुटता हुआ शबाब अपनी मजबूरी को अपनी ज़रूरत समझकर हर आने वाले दिन का इंतजार करता रहा था। उस ऊपरी चमक धमक के नीचे घुटती हुई इंसानियत की कराह को नागर जी ने सुना था, महसूस किया था और उन गलियों के बीच के बवंडर को जो जहाँ से शुरू होता था वहीं ख़त्म हो जाता था। आखिरकार नागर साहब की ज़िंदगी में भी एक झोंका आया और वह हमेशा हमेशा के लिए इन गलियों की भूलभुलैया से बाहर आ गए। वह जानते थे कि उनका लक्ष्य कुछ और है और उन्हें बाहर निकलना ही होगा और अंततः उन्होंने अपने आप को अपनी परिवेश की गिरफ्त से मुक्त कर ही लिया। एक नए परिवेश में आकर उन्हें लगा कि संकरी गलियों का सिकुड़ा हुआ आकाश कितना फैल गया है, इतना अधिक कि उन्हें अपना अस्तित्व भी खोता हुआ नजर आने लगा था। एक खोज शुरू हुई अपने आप को ढूंढने की, अपने अस्तित्व को एक पहचान देने की और इस बार नागर जी की खोज को ठहराव मिला सफ़ेद सादे कैनवस पर, जिस पर उन्होंने अपने पीछे छूटे हुए परिवेश को, जहां वे अब लौट कर नहीं जा सकते थे किंतु अपने आप को उससे अलग भी नहीं कर पा रहे थे, रश डाला सिटी स्केप श्रृंखला में। यह चित्र श्रृंखला नागर जी की कल्पना में बसी आकृतियों की अद्भुत अभिव्यक्ति है जो कहीं ना कहीं नागर जी को और साथ ही दर्शकों को उस परिवेश से जोड़ती है जिसने नागर जी बहुत कुछ पीछे छोड़ आए थे और उससे अपने आप को कभी अलग ना कर सके। एक संवेदनशील कलाकार जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर क्षण को भरपूर जिया और अपने अनुभवों को चित्रों में उकेर कर अपने अलग कल्पना लोक की रचना कर डाली, ऐसे कला मनीषी श्रद्धेय नागर जी की स्मृति को सादर नमन।